नमस्कार, आप सुन रहे हैं रफ्तार न्यूज और हम हाजिर हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों के साथ। चुनाव में 121 रन पर उम्मीदवार खड़े हुए थे, सभी हारे। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे। तीसरी बार पीएम की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी करेंगे जवाहरलाल नेहरू की बराबरी। नतीजों के बाद 8 जून को कांग्रेस ने CWC की बुलाई बैठक। 33 सीटों पर बीजेपी सिर्फ 6 लाख वोटों से हारी, मिल सकता था बहुमत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, सब गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और सरकार बना लेगा। CBSE रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी, बोर्ड ने स्कूलों को फिर से मूल्यांकन करने को कहा। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर गिरफ्तार। शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने फर्जी जॉब वैकेंसी पर किया आगाह। रांची के नीट टॉपर मानव प्रियदर्शी ने बताया गोल्डन रूल, देश में पाई 1 सेंट रैंक।